जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक और अध्याय जोड़ने वाला है। आइए दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाले अपने बिहार की बदलती तस्वीर को हम देखते हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी से कि 696 करोड़ की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबे NH 333B के मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ का लोकार्पण करने की कृपा करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बटन दबाएंगे और यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से यह कार्य सम्मिलित रूप से संपादित कर रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हम सबको ये सौगात आज के दिन समर्पित की। राष्ट्र को यह सौगात मिल चुकी है। बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं और आइए इसी के साथ हम देखते हैं अपने बदलते बिहार की तस्वीर इस फिल्म के माध्यम से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का मानना है कि भारत को सशक्त बनाने के लिए हर गांव कुमार निषाद जी जिला परिषद मुंगेर की अध्यक्ष श्रीमती राधना देवी जी मुंगेर नगर निगम की महापौर श्रीमती रूमा राय जी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जनाब अफसर रामसी साहब जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ज्ञानचंद पटेल जी जदयू के नेता श्री आशुतोष कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्वश्री सौरभ कुमार जी संजीव मंडल जी सुश्री चंकी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण मेरे प्रिय साथियों इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी मुंगेर और भागलपुर के आयुक्त श्री प्रेम सिंह मीना जी मुंगेर के पुलिस उप महानिरीक्षक संजय कुमार सिंह जी मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार जी पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ जला रेड्डी जी यहाँ उपस्थित सभी बहनों भाइयों प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों छायाकार बंधुओं मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। आप सब यहाँ पर मौजूद रहे हैं और सब लोगों की बात सुनते रहे। आज जो सबसे बड़ी बात है आज जो हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हैं बड़ी खुशी की बात है। एक चीज के लिए तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं। वैसे तो आप सबको मालूम है कि कोरोना का जो दौर चल रहा है ये तीसरा साल चल रहा है। 2 साल से बिहार में और 3 साल से तो पूरे दुनिया में और पूरे देश में भी 2 साल से ये जो चलता रहा है तो वैसी परिस्थिति में और अपने यहाँ तो 3 बार इसका दौर आया है। तो इसके लिए सब लोगों को हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। और 10 फरवरी की तिथि में तो फिर जो तीसरा दौर चला था इसमें तो काफी कमी आई है। अब तो कुल मिलाकर के पूरे राज्य में 1,659 एक्टिव मरीज हैं और मुंगेर में जो पिछले दिनों बढ़ा था अब घटते घटते मात्र 13 एक्टिव मरीज बचे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब ये स्थिति शुरू होती जा रही है और जब पहली बार
ये दौर शुरू हुआ था 2020 में, तो मुंगेर के ही एक व्यक्ति से इस यहाँ बिहार में शुरुआत हुई थी, जो बाहर से आ गए थे, वो रहे नहीं, चल बसे। तो ये सब चीज़ें तो है, लेकिन मुंगेर में अब इतनी कमी आई है, मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी हुई। लेकिन हम आप सब लोगों को यही कहेंगे कि इस बात के लिए पूरे तौर पर जरूर सचेत रहिए, और कोरोना का जो टीका लगवाया जा रहा है, कोई इससे, जिन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है, अब तो आप जान रहे हैं कि 15 साल से के उम्र से ही सबको लगाया जा रहा है, कोई मत छोड़िए, सब लोग जरूर टीकाकरण कराइए। और हम लोग जो भी जो पहला डोज ले लिए हैं, अब जिनका दूसरे डोज लेने का समय है, जरूर ले लीजिए। ऐसा कोई ना हो कि कोई पहला डोज लिए हुए हो और दूसरा डोज अभी नहीं लिए हो, जरूर लीजिएगा, इस बात पर सचेत रहिएगा। और बिल्कुल आपस में एक दूरी का, थोड़ी दूरी का पालन जरूर करिए, और जरूर घर से बाहर निकलने वक्त मास्क का जरूर प्रयोग करिए, इन सब चीज़ों का, इसके लिए ख्याल के लिए। और अब जो तीसरा दौर चला है, ये तो कम समय में ठीक हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कोई नहीं जानता है इसके आगे और कब क्या बढ़ेगा। इसलिए हमेशा जरा कृपा करके इस बात को लेकर के सचेत कर रहिए, ये सब जगह चल रहा है, तो हम सब लोगों को इस बात को लेकर के सचेत रहना, इस बात का जरूर ख्याल दीजिए। और आज जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, बड़ी खुशी की बात। और आज जो आप जान रहे हैं कि आज जो मुंगेर गंगा रेल सह सड़क पहुँच पथ निर्माण योजना का जो लोकार्पण किया जा रहा, आज जो उद्घाटन हो गया, इस योजना में उपस्थित जो यहाँ हैं उन सब लोगों को, और जो भी इससे जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। और ये कितनी खुशी की बात है, सब लोगों ने इस बात की चर्चा कर दी, और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो अपने राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्रद्धे श्री कृष्ण बाबू, इसलिए इस सेतु का नामकरण श्री कृष्ण सेतु रखा गया। और जब आज कई लोगों ने इस बात की चर्चा की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तत्कालीन श्रद्धे प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था, आप सब जानते हैं, 26 जनवरी 2002 को। और आप में से बहुत लोगों को याद होगा, उसके पहले तो हम आते ही रहते थे, लेकिन एक दिन पहले 25 तारीख को हम यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर सब लोगों को कहा था कि देखिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और सब लोगों की इच्छा थी, बड़ी खुशी हुई थी, यहाँ पर जो पुल बन जाएगा, रेल बनने का तो काम उसके लिए बहुत पहले से इस बात की लोगों की मांग थी, उस समय तो हम रेल मंत्री भी थे, तो पूरा का पूरा काम तो हम लोगों ने करवा ही दिया था, वो तो हो ही गया। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सड़क के लिए जो पुल बनाने का काम, और ये सब जो तय हो गया था कि ये दोनों काम हो, तो उसी के लिए जो ये काम की शुरुआत करनी थी, तो जब निर्णय हो गया था और जब इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी अनुमति दे दी, तो श्रद्धेय अटल जी को ही ये अनुरोध हम लोगों ने किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, इसका आप ही को शिलान्यास करना है, और उन्होंने ही इसके शिलान्यास करने का निर्णय लिया। तो जब हम जो आए थे 25 तारीख को, तो कितनी खुशी लोगों में हो रही थी कि भाई कल इसकी शुरुआत हो जाएगी, लोग कितना प्रसन्न थे कि किस तरह से इनका रिश्ता यहाँ पर इस तरफ से लेकर के उत्तर की तरफ से सब जिलों से, और जो बताइए तो जो ये कमिश्नरी है और इसके दो दो जिले उधर, और ये सब के साथ इनको यहाँ पर से, तो ये सड़क मार्ग से सब कुछ जा करके सड़क लोगों को कितना किस तरह से करना पड़ता है, मार्ग नहीं बना हुआ था, तो ये गंगा नदी से ही गुजर करके ये सब कुछ करना पड़ता था। तो उस समय लोगों को इतनी प्रसन्नता थी, लोगों की इच्छा थी, तो बड़ी खुशी हुई थी। तो हमने उसी समय कहा था कि भाई अगर आप लोगों की इच्छा हो तो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए रात में अपने अपने घरों में दिया जलाइएगा, दीपक जलाइएगा, और एक तरह से दीपावली मनाइएगा। लोगों ने उस रात में, बताइए क्या हुआ था मुंगेर में 26 तारीख को,
एक तरह से दीपक जला करके लोगों ने दिया ये मनाया था दीपावली। अब आज देखिए, अब इसका उद्घाटन हो गया, अब आज इसकी शुरुआत हो गई है। तो हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जब इसकी स्वीकृति हुई थी, जब शिलान्यास हुआ था, तब आपने रात में दीपक जला करके एक तरह से दीपावली मनाया था। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज अगर संभव हो, आज इसका उद्घाटन हो गया, तो आज रात में भी दिया जला करके एक इसका अगर शुरू कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। ये मामूली बात नहीं है, और आज कितनी खुशी की बात है। और मैं तो सबसे पहले माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। और आज उन्होंने पूरा विस्तार से न सिर्फ यहां के बारे में, बल्कि बिहार भर की पूरी योजनाओं के बारे में और उसकी शुरुआत, जो जहां काम हो रहा है, जिसको शुरू करने वाले हैं और आगे भी, जो इन्होंने हम लोगों के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को भी कहा कि आप आइएगा, ये तो जा ही रहे हैं और बराबर जा करके उनसे मांग कर रहे हैं, और उसी तरह से इनको फिर कहा कि फिर आकर के आप भी जो कोई जरूरी हो आकर के बताइए, हम जरूर उसको करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आज आपने इन बातों की चर्चा की है, इसके लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, और जो भी करना चाहते हैं और आगे करेंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और ये सब बड़ी बात है। और सारी बातों की चर्चा आपने कर दी है, इसलिए मैं उन सब चीजों पर कोई और विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आपने विस्तृत तौर पर किया है। और ये किसी खुशी की बात है कि जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया है, और जिस तरह से बिहार में सरकार बनाया आप सब लोगों ने, हम लोगों को काम करने का मौका लिया 2005 से, और तब से हम लोगों ने जो विकास का काम करना शुरू किया, और उसी समय जितना सब कुछ काम शुरू किया, और हम लोगों ने एक एक चीज़ का, चाहे शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, पढ़ाई के लिए काम, हर तरह का काम, और उसके चलते विकास के लिए काम, सड़कों के निर्माण का काम, और इतना काम हम लोगों ने जो शुरू करवाया, और उसके बाद जो इतनी सड़कें बनाई कि राजधानी पटना को पहुँचने का रख दिया कि 6 घंटे तक में पहुँच जाएँ, और जब ये काम पूरा हुआ तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि बिहार के कोने कोने से, दूर जगह से भी चल करके लोग अगर राजधानी पटना पहुंचते हैं तो उनके लिए 5 घंटे का समय लगना चाहिए। तो इसके लिए भी सारा काम हो रहा है, और केंद्र सरकार की भी योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और जिस प्रकार से एक एक चीज किया जा रहा है, और राज्य सरकार की तरफ से भी जो कुछ भी पूरे तौर पर पूरे बिहार में पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब जो किया गया है आप सब लोगों को मालूम। और जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे, और मैं जब रेल मंत्री भी था, तो उस समय भी जितना काम करने का मौका मिला, और उस समय जब ये विभाग आज जो आदरणीय नितिन गडकरी जी देख रहे हैं, वो विभाग की भी जिम्मेवारी कुछ महीने के लिए मुझको मिली थी, और उन्हीं दिनों इन सब चीज़ों का निर्णय लिया गया था, जो आज जिसका उद्घाटन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय लिया गया, और कई सड़कों के निर्माण के लिए जो निर्णय लिया गया उस पर आज काम चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, और आज तो मुझे इस बात के लिए खुशी है कि घोरघट पुल का भी आज हम जा करके गए, उसका उद्घाटन किया। बताइए, घोरघट पुल का अब जो बन रहा था और बना नहीं ठीक से, और उसके बाद एक तरफ टूट गया, और उसके लिए कितने साल से हम जाते रहे कि किसी तरह से मुंगेर से भागलपुर जाने का एक छोटा सा रास्ता, तो उसको चालू किया, लेकिन इस पुल को बनाने के लिए कितने तरह से प्रयास किया, एक आदमी केस कर दिया था, बहुत दिन तक मामला पेंडिंग रहा, और बाद में जब ये मंजूरी हो गई हाईकोर्ट से, तब ये काम शुरू हुआ है। तो आज जो घोरघट पुल का भी निर्माण पूरा हुआ, तो आज तो हमने कह दिया था कि भाई हम इतनी बार जब आते थे
तब देखने जाते थे कि आखिर घोरघट पुल क्यों नहीं बन रहा है, इसको और तेजी से बनना चाहिए। तो हमने कहा आज बन करके तैयार है तो आज तो निश्चित रूप से वहीं पर चल करके हम लोग इसको देखेंगे। आज इसका उद्घाटन भी आप लोगों ने करवा दिया, बड़ी खुशी की बात है। अब लोगों को यहाँ से जाने में कितनी सहूलियत होगी, तो सब तरह से ये जो सुविधा हो रही है, मुझे इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हर प्रकार से जो भी काम हुआ, ये जो पुल बन रहा था तो इसके लिए कितने तरह की कठिनाइयाँ आ गई थी, बहुत तरह की कठिनाइयाँ आ गई थी। जब इसमें काम शुरू हुआ, इसके अप्रोच में काम लगना शुरू हुआ, तो इस तरफ से जब काम लगना शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 2018 को प्रारंभ हुआ था, तो हम तो जनवरी 2019 में भी आकर के देखे और देखा कि काम में दिक्कत आ रही है। तो काम में जो दिक्कत आ रही है, तो हमने एक एक तरह से इसका अप्रोच पथ जो बन रहा था उसका हमने एरियल सर्वे भी किया और यह भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो भी है मुंगेर साइड के अप्रोच में ये टोपो लैंड था और उसी में लोग अपना घर बना लिए थे। तो चूंकि टोपो लैंड था तो ये तो बात आ गई सर के मन में, सरकार के अधिकारियों के मन में कि टोपो लैंड है, ये तो किसी का है नहीं, ये तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन टोपो लैंड पर भी लोगों ने अपना इतना घर बना लिया था कि बन नहीं पा रहा था। तब वही जो हमने देखा और देखा कि भाई इतने लोग इसमें बसे हुए हैं, तब हमने कहा कि भाई ये टोपो लैंड पर है, ये राज्य सरकार को हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि जितने लोग हैं रह रहे हैं, इन सब लोगों को यहाँ से अपना जाने के लिए इनको हम लोग पैसा देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 58 करोड़ रुपया राज्य सरकार की तरफ से, एक छोटे से जगह में टोपो लैंड में जितने लोग रह रहे थे उन सब लोगों से वहाँ से जाइए और दूसरी जगह पर रहिए, इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम किया और ये काम होने के कारण ही ये काम हो सका। और इसके अलावे जो अप्रोच पथ में कब्रिस्तान भी था, तो कब्रिस्तान के पास से ही जा रहा था तो उसका 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 आग कुछ हिस्सा पड़ रहा था, तो फिर वहाँ से भी लोगों से बहुत बात की गई। जो इधर हाल के महीनों में जो कठिनाई आ गई थी पिछले साल, तब फिर बात करके वो भी कहा गया कि भाई वहाँ पर भी बात कर लेना चाहिए, और बात करके तब तैयार हो गए। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि कब्रिस्तान के दूसरे साइड में हम लोगों ने जगह दे दिया, उसको भी स्वीकार कर लिए, तब जा करके ये काम पूरा का पूरा हो गया और भी काम हो